कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं? अच्छे हैं, चलिए वेरी गुड। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें हमेशा, हमारी यही मनोकामना है। मैं आपका अपना टीचर विशेष गौर, आज मैं आप लोगों के लिए विश्व भूगोल विषय टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है उसमें हमारे ग्रह। तो ग्रह के बारे में अब तक हमने जो देखा है वो सौरमंडल देखा है और आज हमारा जो है वो ग्रह टॉपिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रह क्या है, ग्रह की विशेषता क्या है। विषय विश्व भूगोल और टॉपिक है ग्रह और उनकी विशेषता है, ठीक है, ग्रह और उनकी विशेषता है। तो देखिए आइए क्या है। पहला जो ग्रह है वो है बुध, इसके बारे में देखेंगे। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में मरकरी लिख देता है वो, तो आप याद रखना मरकरी बुध ग्रह को कहते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। क्वेश्चन ये आता है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। दूसरा पॉइंट है यह सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जैसे सूर्य निकलता है उससे 2 घंटे पहले, उसकी जो चमक पड़ती है इस पे उससे 2 घंटे पहले दिखाई देने लगता है ग्रह, इसीलिए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और यह सबसे छोटा और हल्का ग्रह है, याद रखना सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तब भी बुध है, ठीक है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो होता है ग्रह और एक होता है उपग्रह। जैसे मानव है तो मानव एक इंसान है, मनुष्य है, लेकिन इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे हैं। तो इसी तरीके से जो बड़ा है वो ग्रह और जो छोटा है वो उपग्रह, ठीक है। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, इस पर मैग्नेट सिस्टम पाया जाता है। तो याद रखना किस ग्रह पर मैग्नेट सिस्टम पाया जा, बुध ग्रह पर। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसलिए आप ये एक चीज बताओ, एक ये चीज नजदीक है और एक ये दूर है, तो नजदीक पहले घूमेगा आपस में या दूर वाला, तो नजदीक वाला घूमेगा। तो वही बात है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, तो आंसर हो जाएगा बुध। इस ग्रह पर दिन में अधिक गर्मी, क्योंकि सूर्य के नजदीक है, जाहिर सी बात है सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है, तापमान ज्यादा होता है, जबकि रातें ठंडी होती है क्योंकि चंद्रमा, फिर चंद्रमा की वो पड़ती है। इस ग्रह का तापमान दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये थी बुध ग्रह की विशेषता है। इससे बाहर अगर आप इतना पढ़ के जाते हो एग्जाम में, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे दीजिएगा, पीसीएस का दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा एक्सपर्ट या ग्रुप सी का दीजिएगा, सी टेट का दीजिएगा, यू टेट का, पुलिस एसआई लेखपाल पटौरे, कुछ भी, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। बस आप एक बार इसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ लें, ठीक है, अपने प्रति ईमानदार रहे, किसी को दिखाने की कोशिश ना करें पढ़ाएगी। नेक्स्ट है, दूसरा है हमारा शुक्र। शुक्र को विनस कहते हैं, ठीक है, विनस। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के, वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्यों है चमकीला, क्योंकि इस पे जो सूर्य का टेम्परेचर है, तापमान है, वो ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसकी चमक ज्यादा हो जाती है। इसे भोर का तारा, भोर मतलब मॉर्निंग स्टार, एवं सांझ का तारा, इवनिंग स्टार। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को, ठीक है, या भोर का तारा या सांझ का तारा, तो आंसर वही है। यह ग्रह शाम को पश्चिमी दिशा में जबकि सुबह को पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसे जो पश्चिमी दिशा में, इसीलिए भोर का तारा कहा जाए इसे, और शाम को पूरब दिशा में, तो इसे सांझ का तारा कहा था, छिपता सिरन। नेक्स्ट है, ये अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त, याद रखना घड़ी की दिशा के अनुसार चक्कर लगाता है। तो याद रखना कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, शुक्र। कैसे चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है आपका दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा के अनुसार, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है ना ऐसे। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन इसलिए कहा जा क्योंकि इसका आकार, घनत्व जो भी है पृथ्वी के लगभग समान सा ही है, इसीलिए इसे पृथ्वी की
जुड़वा बहन कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। यह पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास या निकट का ग्रह है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का। शुक्र ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तैयार रखना। ऐसे दो जो पहले ग्रह है बुध और शुक्र, ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का और शुक्र का, ठीक है, बाकी सबके है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा ग्रह है हमारा बृहस्पति, इसे कहते हैं इंग्लिश में जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर को बृहस्पति या बृहस्पति को जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे में पूरा करता है, जो सबसे कम समय में पूरा करता है। मतलब जो अन्य ग्रह है ना हमारे साथ, उनकी अपेक्षा यह सबसे कम समय लगता है, 10 घंटे। यह सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है। क्वेश्चन आता है ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? वह है आपका बृहस्पति का। और यह सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह, मतलब जो अन्य ग्रहों के उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। और ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। इस ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है। इस ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति। इसके बाद चौथा ग्रह हमारा मंगल। मंगल को मार्स कहते हैं, मार्स, MARS, मार्स, ठीक है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का लाल रंग इसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जैसे लाल मिट्टी का लाल रंग होता है ना आयरन ऑक्साइड के कारण, इसी तरीके से मंगल ग्रह का भी जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। यह इस पर पृथ्वी के समान दो ध्रुव है, दो ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका कक्षातल 25 डिग्री कोण के बराबर झुका हुआ है। इस ग्रह का जो मंगल ग्रह है ये 25 डिग्री का जो कोण है इस तरीके से 3 डिग्री पर झुका हुआ है, और पृथ्वी के समान इस पर दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। कौन सा? मंगल ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसका कक्षातल 25 डिग्री झुका होने के कारण इस पर पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात रात दिन। तो ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो 25 डिग्री कौन सा ग्रह झुका हुआ है अपनी धुरी पर? मंगल ग्रह। किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन होता है? मंगल ग्रह पर। इसके दो ग्रह याद रखना, दो ग्रह, एक तो है फोबोस और एक है डीमोस। क्वेश्चन आएगा फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? यह है आपके मंगल ग्रह के उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी मंगल ग्रह पर है। ओलिपस मैसी जो है सौर मंडल क्या है? ज्वालामुखी है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर, ठीक है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है वो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। ओलिपस मैसी क्या है? ज्वालामुखी है। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौर मंडल का, किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। क्लियर है यहां तक के? मंगल ग्रह के दो ग्रह है फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह जो है अपनी डिग्री पर 25 डिग्री झुका हुआ है अपनी धुरी पर, इसी कारण इस पे ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती है। इसका लाल रंग है मंगल ग्रह का, क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा शनि। शनि जो ग्रह है इसे इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न। तो याद रखना, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है इसके चारों ओर वले, वले मतलब मोटी कुंडली पाई जाती है, प्रकाश की कुंडली पाई जाती है। तो इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन आता है
मोटी प्रकाश की कुंडली है, मोटी वलय किस ग्रह के चारों ओर पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका शनि। और इसमें जो वलय होती है इनकी टोटल संख्या 7 है, जो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देती है। तो याद रखना किस ग्रह के चारों ओर वलों की संख्या 7 पाई जाती है, आपका शनि हो जाएगा। और ये जो वलों की जो वलय है ये कैसे दिखाई देते हैं आकाश में, पीले दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। जितने भी ग्रह हैं हमारे 8 के 8 उनमें सबसे कम है इसका घनत्व। इसीलिए अगर इसे पानी पे छोड़ दिया जाए ग्रह को तो यह पानी पे तैरने लगता है, इसीलिए यह ग्रह जल पर रखने से तैरने लगता है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है, ऐसा ग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल पाया जाता है, तो वो जाएगा आपका शनि। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन दे देगा टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस। ठीक है, इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। अरुण ग्रह का जो तापमान है वो -215 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल, एक खगोल शास्त्री थे विलियम हर्शल, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि अरुण ग्रह की खोज या यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसके चारों ओर 9 वले पाए जाते हैं जिनमें 5 प्रमुख हैं। 9 वले पाए जाते हैं, 9 वले में 5 की पहचान करी गई है या 5 प्रमुख हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन और डेल्टा। ये 5 की पहचान करी गई है 9 में। ठीक है, 9 जो वले हैं उनमें 5 की पहचान हुई है। क्लियर। यह ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो याद रखना यह ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जबकि सभी ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़ के, क्योंकि वो भी अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है शुक्र भी, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यह अपनी धुरी पर इतना लेटा हुआ है इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। तो क्वेश्चन दे देगा टाइटेनिया किसका उपग्रह, अरुण का। ठीक है, इसके बाद लास्ट उपग्रह है हमारा वरुण। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को मैं आपको अलग कराऊंगा बिल्कुल, पृथ्वी में और भी चीजें हैं वो ज्वाइंट करके मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा अलग से, तो इसलिए हम यहां 7 ग्रह पढ़ेंगे। ठीक है, नेपच्यून, इसे नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। इसकी खोज 1846 में विलियम हर्शल ने की थी। नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 में किसने की थी, विलियम हर्शल ने की थी। यह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध और सबसे ज्यादा दूर वरुण। ठीक है, इसके चारों ओर मिथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए ठंडा ग्रह कहा भी कहा जाता है, और मिथेन के कारण इस पर शीतलता पाई जाती है। इसका उपग्रह ट्राइट्रॉन है। ट्राइट्रॉन किसका उपग्रह है, वरुण का। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो ग्रह का टॉपिक था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सही समझ में आया होगा, और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कंफर्म कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम उसका आंसर दे देंगे आप लोगों को, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो
आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुछ, थैंक यू।